साथ हैं जी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो यहाँ लखीमपुर में इस दर्द में शामिल होने के लिए 7 घंटे लगातार मोटरसाइकिल चला के यहाँ पहुंचा। जितनी तकलीफ वहां नहीं हुई वो तकलीफ उससे ज्यादा तकलीफ यहाँ हुई, आके अपने प्राव को देखे, बाबूजी को देखे, जिनकी जो है ना हत्या हो गई कल। और मैं जब यहाँ लोगों से बुलाऊं तो मुझसे पूछ रहे थे मीडिया के लोग कि भाई आपकी क्या मांग है, तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों की मांग ये है कि वो जो किसान विरोधी 3 कानून पारित किए गए उनको रद्द किया जाए। और मैं समझता हूं कि एक जायज मांग है। किसान इस मांग के लिए 10 महीने से ज्यादा समय से जो है ना सड़कों पे, और अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी लाशों पे मुस्कुराते हैं, हमारी तकलीफ नहीं सुनते हैं, तो ये इस देश के लिए बुरा समय है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि अब भी समय है, किसानों की तकलीफों को समझिए। हजारों शहादतें हो चुकी है, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी जो मोर्चों पे हैं उन्होंने बहुत बड़ी शहादतें दी है, और वो संख्या हजारों की संख्या में है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी आप में मानवता बची हो और आप इस देश के किसानों से, इस देश के गरीबों से प्यार करते, मजदूरों से प्यार करते, तो ये कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसानों का दर्द नहीं समझते। देश की जनता किसानों के साथ है। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंदोलन की घोषणा करेगा तो आप देखना जन सैलाब उमड़ेगा, और ये देश जो है पूर्ण रूप से किसानों की जो बलिदान हुआ है उसमें आहुति देने के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं जी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो यहाँ लखीमपुर में इस दर्द में शामिल होने के लिए 7 घंटे लगातार मोटरसाइकिल चला के यहाँ पहुंचा। जितनी तकलीफ वहां नहीं हुई वो तकलीफ उससे ज्यादा तकलीफ यहाँ हुई, आके अपने प्राव को देखे, बाबूजी को देखे, जिनकी जो है ना हत्या हुई है कल। और मैं जब यहाँ लोगों से बुलाऊं तो मुझसे पूछ रहे थे मीडिया के लोग कि भाई आपकी क्या मांग है, तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों की मांग ये है कि वो जो किसान विरोधी 3 कानून पारित किए गए उनको रद्द किया जाए। और मैं समझता हूं कि एक जायज मांग है। किसान इस मांग के लिए 10 महीने से ज्यादा समय से जो है ना सड़कों पे, और अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी लाशों पे मुस्कुराते हैं, हमारी तकलीफ नहीं सुनते, तो ये इस देश के लिए बुरा समय है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि अब भी समय है, किसानों की तकलीफों को समझिए। हजारों शहादतें हो चुकी है, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी जो मोर्चों पे हैं उन्होंने बहुत बड़ी शहादतें दी है, और वो संख्या हजारों की संख्या में है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी आप में मानवता बची हो और आप इस देश के किसानों से, इस देश के गरीबों से प्यार करते, मजदूरों से प्यार करते, तो ये कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसानों का दर्द नहीं समझते। देश की जनता किसानों के साथ है। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंदोलन की घोषणा करेगा तो आप देखना जन सैलाब उमड़ेगा, और ये देश जो है पूर्ण रूप से किसानों की जो बलिदान हुआ है उसमें आहुति देने के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं जी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो यहाँ लखीमपुर में इस दर्द में शामिल होने के लिए 7 घंटे लगातार मोटरसाइकिल चला के यहाँ पहुंचा। जितनी तकलीफ वहां नहीं हुई वो तकलीफ उससे ज्यादा तकलीफ यहाँ हुई, आके अपने प्राव को देखे, बाबूजी को देखे, जिनकी जो है ना हत्या हुई है कल। और मैं जब यहाँ लोगों से बुलाऊं तो मुझसे पूछ रहे थे मीडिया के लोग कि भाई आपकी क्या मांग है, तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों की मांग ये है कि वो जो किसान विरोधी 3 कानून पारित किए गए उनको रद्द किया जाए। और मैं समझता हूं कि एक जायज मांग है। किसान इस मांग के लिए 10 महीने से ज्यादा समय से जो है ना सड़कों पे, और अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी लाशों पे मुस्कुराते हैं, हमारी तकलीफ नहीं सुनते, तो ये इस देश के लिए बुरा समय है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि अब भी समय है, किसानों की तकलीफों को समझिए। हजारों शहादतें हो चुकी है, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी जो मोर्चों पे हैं उन्होंने बहुत बड़ी शहादतें दी है, और वो संख्या हजारों की संख्या में है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी आप में मानवता बची हो और आप इस देश के किसानों से, इस देश के गरीबों से प्यार करते, मजदूरों से प्यार करते, तो ये कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसानों का दर्द नहीं समझते। देश की जनता किसानों के साथ है। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंदोलन की घोषणा करेगा तो आप देखना जन सैलाब उमड़ेगा, और ये देश जो है पूर्ण रूप से किसानों की जो बलिदान हुआ है उसमें आहुति देने के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं जी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो यहाँ लखीमपुर में इस दर्द में शामिल होने के लिए 7 घंटे लगातार मोटरसाइकिल चला के यहाँ पहुंचा। जितनी तकलीफ वहां नहीं हुई वो तकलीफ उससे ज्यादा तकलीफ यहाँ हुई, आके अपने प्राव को देखे, बाबूजी को देखे, जिनकी जो है ना हत्या हुई है कल। और मैं जब यहाँ लोगों से बुलाऊं तो मुझसे पूछ रहे थे मीडिया के लोग कि भाई आपकी क्या मांग है, तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों की मांग ये है कि वो जो किसान विरोधी 3 कानून पारित किए गए उनको रद्द किया जाए। और मैं समझता हूं कि एक जायज मांग है। किसान इस मांग के लिए 10 महीने से ज्यादा समय से जो है ना सड़कों पे,
और अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी लाशों पे मुस्कुराते हैं, हमारी तकलीफ नहीं सुनते, तो ये इस देश के लिए बुरा समय है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि अब भी समय है, किसानों की तकलीफों को समझिए। हजारों शहादतें हो चुकी है, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी जो मोर्चों पे हैं उन्होंने बहुत बड़ी शहादतें दी है और वो संख्या हजारों की संख्या में है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी आप में मानवता बची हो और आप इस देश के किसानों से, इस देश के गरीबों से प्यार करते, मजदूरों से प्यार करते, तो ये कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसानों का दर्द नहीं समझते। देश की जनता किसानों के साथ है। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंदोलन की घोषणा करेगा तो आप देखना जन सैलाब उमड़ेगा और ये देश जो है पूर्ण रूप से किसानों की जो बलिदान हुआ है उसमें आहुति देने के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं जी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो लक्ष्मी पर इस दर्द में शामिल होने के लिए 7 घंटे लगातार मोटरसाइकिल चला के यहाँ पहुंचा। जितनी तकलीफ वहां नहीं हुई वो तकलीफ उससे ज्यादा तकलीफ यहाँ हुई आके, अपने पराव को देख के, बाबूजी को देख के जिनकी जो है ना हत्या हुई है कल। और मैं जब यहाँ लोगों से बुलाऊ तो मुझसे पूछ रहे थे मीडिया के लोग कि भाई आपकी क्या मांग है, तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों की मांग ये है कि वो जो किसान विरोधी 3 कानून पारित किए गए उनको रद्द किया जाए। और मैं समझता हूं कि एक जायज मांग है। किसान इस मांग के लिए 10 महीने से ज्यादा समय से जो है ना सड़कों पे, और अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी लाशों पे मुस्कुराते हैं, हमारी तकलीफ नहीं सुनते, तो ये इस देश के लिए बुरा समय है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि अब भी समय है, किसानों की तकलीफों को समझिए। हजारों शहादतें हो चुकी है, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी जो मोर्चों पे हैं उन्होंने बहुत बड़ी शहादतें दी है और वो संख्या हजारों की संख्या में है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी आप में मानवता बची हो और आप इस देश के किसानों से, इस देश के गरीबों से प्यार करते, मजदूरों से प्यार करते, तो ये कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसानों का दर्द नहीं समझते। देश की जनता किसानों के साथ है। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंदोलन की घोषणा करेगा तो आप देखना जन सैलाब उमड़ेगा और ये देश जो है पूर्ण रूप से किसानों की जो बलिदान